आई थिंक मतलब सिमिलर सी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर डेवलपमेंट अच्छा करना है तो आपको डीएसए आना ही चाहिए, और अगर आप फैंग के लिए जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली डीएसए बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। स्टार्टअप्स ऐसे बुरे नहीं होते, ऑब्वियसली आपको सीखने को बहुत बढ़िया मिलेगा इधर, और आपको पैकेजेस भी, अगर आपको डीएसए उतना अच्छा नहीं आता तो आप फैंग तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। आप कम से कम मतलब अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप स्टार्टअप्स में बढ़िया करके निकाल सकते हैं। आप मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर यह है कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड करोगे तो थोड़ा जल्दी अपने गोल को रीच कर जाओगे। Hi everyone, this is Ankush and welcome to Coding Ninjas. So in today's video we have Shubham with us. Shubham just graduated from college in 2020 from a tier 3 college in Uttarakhand, and post that he has been sort of looking for amazing opportunities, and we want to let's understand what all he did to land at one of the best edtech companies in India. That is QMath, right? So it's one of the best edtech companies in India, growing really, really fast. बहुत सारी फंडिंग रेज की हुई है इन लोगों ने, अभी भी रिसेंटली भी किया था ग्राउंड रेज। एंड हम सुन रहे हैं ना कितना स्टार्टअप्स हायर कर रहे हैं, अमेजिंग सैलरीज दे रहे हैं, सब कुछ बहुत सही चल रहा है ओवरऑल स्टार्टअप्स में। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि यार स्टार्टअप्स में जाने के लिए, स्टार्टअप्स में घुसने के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी होगी, क्या प्रेप करनी चाहिए, और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड शुभम ने क्या क्या किया। Right. So hi Shubham, welcome to Coding Ninjas. Hello sir, thank you for having me here. Absolutely, my pleasure. So Shubham, yeah. So first of all, congratulations, है ना? मैं personally QMath, I think I have pretty good idea. मेरे बहुत सारे students QMath में हैं पहले से भी, तो I think मुझे पता है कि बहुत ही amazing जगह है और बहुत मजा आएगा तुम्हें काम करने में. So congratulations, बहुत ही बढ़िया जगह पे पहुंच गए हो तुम. Thank you. मुझे अब मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ तुमसे, दैट बिफोर वी गो इनटू योर जर्नी, राइट, लाइक मुझे थोड़ा सा बताओ कि स्टार्टअप्स में जब हम अप्लाई करते हैं, स्टार्टअप्स में जब हम बेसिकली जॉब ढूंढ रहे हैं, पहली बात तो क्या ऐसा है क्या कि सैलरी बहुत कम कम होती है कंपेयर टू बाकी जो ये बड़ी कंपनियां होती हैं, उनसे बहुत कम होती है क्या सैलरी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बल्कि मैं ये मानता हूँ कि स्टार्टअप्स आपको, अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी पे कर सकते हैं। मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स। राइट, तो आई थिंक स्टार्टअप में एक चीज ये भी रहती है ना कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 3 साल लगेंगे फिर तुम SD2 बन सकते हो, या फिर 2 साल और लगेंगे फिर, लाइक मतलब टाइम से फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी स्किल्स कैसी है उस पर ज्यादा फर्क पड़ता है। राइट, हाँ सर, सही है। सो अच्छा, अब एक चीज और बताओ कि ये प्रिपरेशन कैसे अलग है, मतलब लाइक मेरे को एक स्टार्टअप में जाना है वर्सेज लेट्स से मेरे को जो सबको जाना है की इच्छा होती है कि फैंग में जाना है, तो लाइक प्रिपरेशन में कुछ अलग स्ट्रैटेजी है क्या, कुछ अलग करना पड़ता है क्या स्टार्टअप्स में जाने के लिए? सर, आई थिंक मतलब सिमिलर सी स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में आपको अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर डेवलपमेंट अच्छा करना है तो आपको डीएसए आना ही चाहिए, और अगर आप फैंग के लिए जाते हैं तो आपको ऑब्वियसली डीएसए बहुत बढ़िया करना पड़ेगा। पर अगर आप डेवलपमेंट बहुत बढ़िया कर ले रहे हैं और डीएसए आपका मतलब बहुत तगड़ा नहीं है पर ठीक ठाक है, तो आप उसके लिए आप फिर स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हैं इजीली, वो आपके स्किल्स बेस्ड आपको ले लेंगे। राइट, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि स्टार्टअप्स थोड़ा सा ज़्यादा स्किल्स, रियल स्किल्स पे फोकस करते हैं, दैट इज डेवलपमेंट स्किल्स जो एक्चुअली तुम्हें जॉब में जाके करना पड़ेगा काम, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। इज दैट राइट? जी सर। अच्छा, सही है, ठीक है। तो अभी हम आएंगे तुम्हारे उस पे, राइट, कॉलेज में क्या किया हमने, कैसे नहीं किया, बट मुझे थोड़ा सा वैसे पहले एक बार आइडिया दो कि क्यू मैथ में क्या था प्रोसेस, इन द सेंस कि कैसे डेवलपमेंट टेस्ट किया उन्होंने तुम्हारा, क्या डीएसए भी टेस्ट किया या नहीं किया, कैसा था प्रोसेस? सर, क्यू मैथ में थोड़ा अलग हुआ था, मेजरली मेरा डीएसए टेस्ट हुआ था। तो मेरा जो पहला राउंड था वो ऑनलाइन राउंड था, वो डीएसए का ही टेस्ट था। उसके बाद मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे, सब में मेरे से डीएसए पूछा गया था। अच्छा जी, और कोई हमने जनरली कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह का कुछ डिस्कशन हुआ किसी इंटरव्यू के अंदर, कैसा था? प्रोजेक्ट्स वगैरह सर डिस्कस तो नहीं होते, पर ऑब्वियसली मेरे रिज्यूमे में थोड़े सही सही टाइप के 3 प्रोजेक्ट्स थे, अच्छा, तो शॉर्टलिस्टिंग में ऑब्वियसली हेल्प हुई होगी सर। राइट, चलो ठीक है, चलो लेट्स लेट्स बिगिन, लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट एंड थोड़ा सा तुम्हारे कॉलेज के अंदर कैसी रही तुम्हारी जर्नी वो समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सो मुझे थोड़ा सा आइडिया दो कि यार जब हम कॉलेज में गए तो क्या हमें ऑलरेडी प्रोग्रामिंग आती थी या हमने बेसिकली जाके कुछ शुरू किया, कैसा था इनिशियल फर्स्ट ईयर कैसा था? सर, तो 11th और 12th में मेरी मतलब हमारे स्कूल में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ाते थे, तो मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस थी उस समय, उस टाइम पे मतलब जावा सीखी थी हमने,
मेरे एक इधर ही के सर थे, तो उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया था। तो मतलब मेरे को इंटरेस्ट था कि मेरे को कंप्यूटर साइंस में जाना है करके। तो फिर जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली मेरे को कंप्यूटर साइंस ही लेनी थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मतलब फर्स्ट ईयर में तो बेसिक वो सी प्रोग्रामिंग वगैरह ही पढ़ाते हैं, पर उसमें क्या हुआ कि मतलब उस टाइम मैं उतना बढ़िया नहीं कर पाता था मतलब कोडिंग, क्योंकि मतलब पढ़ी हुई भी थी तो मतलब वो सिंटैक्स अलग हो गया था, तो उस समय उतने अच्छे से आते नहीं थे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, मतलब वो याद करने वाला जैसा हो गया था। तो फर्स्ट ईयर में तो फिर मतलब कुछ खास करा नहीं था, मतलब जो अपना जो सब्जेक्ट्स हो गए वही पढ़े थे। ठीक है। तो चलो फर्स्ट ईयर में तो चलो समझ में आ गया कि यार थोड़ा बहुत पहले किया हुआ था हमने जावा में, और यहाँ पर हम आए और बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर या जिस जो बेसिकली हम नया सिंटेक्स हमें सीखना पड़ रहा था, तो नहीं उतना मजा आ रहा था और थोड़ा याद करने वाली फीलिंग आ रही थी। तो लाइक कब सॉर्ट ऑफ क्या प्रोसेस था, लाइक कॉलेज के अंदर कल्चर अच्छा था इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सीनियर से कुछ आइडिया मिल रहा था, कैसे समझ में आया कि अब क्या करें कि इवेंचुअली जॉब मिलेगी, या मतलब जनरली चल मारा पूरा टाइम कॉलेज में कैसा रहा? तो बेसिकली सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ था कि मेरा मतलब मन हुआ कि गेम डेवलपमेंट सीखते हैं, तो मैंने एक ऐसी कोर्स अच्छा उठा लिया ऑनलाइन पे और मैं वो यूनिटी में डेवलपमेंट सीखने लग गया। मतलब उस समय कुछ ऐसा था नहीं कि जॉब के ओके लिए ये जाना है, तो वो ऐसी मैं ट्राई कर रहा था कि कैसा होता है मतलब गेम बना के कैसा लगता है करके। तो फिर उसमें भी मतलब थोड़ा सा ठीक है। डिफ़िकल्ट होने लगा था, तो कुछ खास ऐसा आगे को हुआ नहीं। पर मतलब कॉलेज में जनरली जो सीनियर्स थे हमारे काफ़ी हेल्पफुल थे, मतलब वो उनको जितना वो जितनी भी अपनी नॉलेज होती थी वो कोशिश करते थे कि मतलब आप पे ट्रांसफ़र हो जाए। वो तो सीनियर्स की हेल्प थी, मतलब उन्होंने कोडिंग वोडिंग भी क्लासेस भी ली हमारी थोड़ी बहुत। फाइनल ईयर लेता था सेकेंड ईयर की क्लासेस, तो मतलब उन्होंने अपनी तरफ से फुल कोशिश करी थी। पर ये हो गया फिर मतलब जैसे सेकेंड ईयर ख़त्म हुआ तो उसके बाद वो लोग पास आउट हो गए, तो फिर उतना जो करेक्ट अपने एक साल सीनियर थे उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था। तो फिर मतलब ये हुआ कि जब मैं फिर उसके बाद में जब जैसे ही मतलब कोडिंग वोडिंग करने लगा तो मतलब उतना मन नहीं लगा। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब कभी गेम डेवलपमेंट कभी ऐप डेवलपमेंट ये सब चीज़ें मतलब साइड में ट्राई करते रहता था, पर कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं मिल पाया और किसी चीज़ से। और फिर फाइनल ईयर में जाके सो ये दूसरा ईयर। बेसिकली हाँ, सो ये बहुत प्रॉब्लम है ना, मतलब लाइक बेसिकली क्या होता है ना कि हमें सही डायरेक्शन मिलती नहीं है, हम मेहनत करना चाहते हैं तो अंदर से बेसिकली कुछ 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 करे जा रहे हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए। आई थिंक बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, राइट, लाइक दैट दे विल ट्राई मल्टीपल थिंग्स एंड नॉट रियली फोकस ऑन द फाउंडेशन फर्स्ट, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। सो सीम्स लाइक पहले 3 साल में तो हमने कुछ खास नहीं सीखा, हमने इधर उधर हाथ पैर मारे हैं बट हमने कुछ खास नहीं सीखा है, राइट, लाइक विच इज ऑनेस्टली ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो अभी कॉलेज में भी होंगे कि यार फाइनल ईयर आ गया, आप समझ में आ रहा है कि कुछ कर लेना चाहिए। तो ठीक है चलो हम फाइनल ईयर में आ गए, अब क्या कैंपस में कुछ कंपनीज वगैरह आती हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह क्या सीन रहता है? कैंपस में कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं प्लेसमेंट का खास, तो मतलब एक दो कंपनीज आती हैं साल भर में। तो फिर मतलब पर हमारे जो प्लेसमेंट वाले हैं वो बाकी कॉलेजेस से कोऑर्डिनेट करके आपको उधर प्लेसमेंट के लिए बैठने की वो देते हैं। तो फाइनल ईयर में मैं गया था, ये अपना एक कॉलेज है इधर ही पे उत्तराखंड में, थोड़ा मतलब वेल नोन है हमारे कॉलेज से, ज़्यादा नोन है। तो उधर पे एक कंपनी आई थी तो उधर मैंने ट्राई किया था, तो उधर हो गया था मैं। कौन सी कंपनी थी ग्लोबल लॉजिक, और ये कब हुआ था, फाइनल ईयर में कब हुआ था ये? ये फाइनल ईयर में लगा होगा मेरा मतलब अक्टूबर टाइम में शायद, अच्छा तो सेकेंड हमें तो हाफ। आता नहीं था बट अभी भी कुछ भी, तो ये कैसे हो गया हमारा, मतलब हमने तो प्रोग्रामिंग 3rd ईयर तक तो हमें आती नहीं थी अच्छे से, फाइनल ईयर में कुछ किया हमने, सीख ली थी किसी तरह से, या बेसिकली ये किसी और इस कंपनी ने कुछ और टेस्ट किया था? थोड़े ऐसे ही मैंने मतलब कोडिंग निंजास का ही एक मैंने कोर्स किया था, तो उससे थोड़ी कोडिंग वोडिंग आ गई थी मुझे। तो फिर इसमें ट्राई किया था तो हो गया था, इसमें मतलब उतनी कोडिंग आ गई थी कि एक कंपनी अच्छा निकाल लो, ओके, बहुत अच्छे से नहीं आई थी बट मतलब उतना बढ़िया करके मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि वही होता है कि कॉलेज में उतना आइडिया नहीं होता है कि इसको करके आगे का बहुत बढ़िया हो जाएगा करके। तो उतने अच्छे से मैंने करा ही नहीं था, पर मतलब जितना भी किया था उससे इतना हो गया था कि एक निकल गया। अच्छा चलो सही है सही है, बढ़िया है। तो ठीक है, फिर उसके बाद क्या थॉट प्रोसेस था? चलो ग्लोबल लॉजिक में लग गया एंड तो थोड़ा तो रिलीफ हो गया होगा कि यार नौकरी तो लग गई। हाँ काफ़ी रिलैक्स हो गया था, मतलब अपने कॉलेज के हिसाब से वो काफ़ी सही पैकेज था। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये अभी ठीक हो गया है, अभी इसको ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद मतलब ट्राई करते रहेंगे आगे को जैसा होगा, पर फिलहाल इसको ज्वाइन कर लेंगे। पर फिर ये कोविड हो गया तो उसकी वजह से कैसा? ज्वाइनिंग हमारी बहुत डिले कर दी, तो वो अच्छा सब खराब हो गया प्लान्स। कितना कितना पैकेज था? उसमें 4.8 था।
ठीक है, तो फिर बेसिकली 4.8 का पैकेज था, हम रिलैक्स हो गए, हमने चिल मारना दोबारा से शुरू कर दिया कि यार अब तो नौकरी लग गई है, अब तो बेसिकली ज्वाइन कर लेंगे, और मार्च के अंदर आके बेसिकली डिले होना शुरू हो गया। हाँ, फिर क्या रहा थॉट प्रोसेस, फिर क्या किया हमने, फिर यही था तब कि हमने मतलब शुरू किया मैं दोबारा से तैयारी। ऑफ कैंपस के लिए ये ट्राई कर रहा था, जो वो कोर्स था मेरा उसकी थोड़ी सी एक्सेस बची हुई थी, तो मैं उससे ट्राई कर रहा था थोड़ा पढ़ के, कि मतलब थोड़ा और पढ़ूंगा तो क्या पता और सही हो जाए। तो फिर मैं ऐसी ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा था, तो मतलब पैकेजेस तो लग जा रहे थे पर कुछ खास ऐसे लग नहीं पा रहे थे, बहुत बढ़िया नहीं लग रहे थे, अच्छा, और मुझे था ओके। कि थोड़ा मतलब अच्छे में जाना है करके। तो फिर मतलब मैंने फिर ये करियर कैंप ज्वाइन किया था। अच्छा, फिर तुमने करियर कैंप ज्वाइन कर लिया, तुमने जनवरी में ज्वाइन किया था राइट, दिस हाँ, ईयर, जनवरी 21 में ज्वाइन किया। अभी अभी 6 महीने पहले ज्वाइन किया था। ओके, सो हम ग्रेजुएट हो गए थे 2020 में, फिर उसके बाद हमने 6-8 महीने मतलब हम सिर्फ फाइट मार रहे थे कि कहीं मिल जाए, हमें बहुत अच्छी नहीं मिली जॉब, तो फिर हमने बेसिकली करियर कैंप ज्वाइन कर लिया था, इज दैट हाँ, बेसिकली राइट। 2020 में मतलब ग्रेजुएशन हमारी, क्योंकि कोविड की वजह से ग्रेजुएशन भी डिले हो गई थी। मैं सितंबर में ग्रेजुएट हूँ, अच्छा, तो मतलब वो ना हम 2020 ओ के रहे थे ना 2021 के रहे थे, वो बीच में जैसा अटक गए थे। अच्छा, सही है सही है। बट हमें, हमने कोर्स तो पहले से किया हुआ था कोडिंग निंजास में, फिर हमने करियर कैंप किया तो बहुत जल्दी कर दिया वो, हमने बहुत आसान हो गया वो हमारे लिए एक लेवल हाँ, पे मतलब तो। खाली सिंटैक्स स्विच करना था और बाकी मतलब कॉन्सेप्ट्स आते थे तो लगाना इजी हो गया था, तो इस वजह से जल्दी भी हो गया। और साथ में मेरा एक दोस्त भी कर रहा था, राइट, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे हो नहीं पा रहा है तो इसको तूने कैसे करा करके, तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी। और वेब डी भी किया तुमने, पूरा वेब डी पूरा कर हाँ, लिया वेब करियर कैंप के डेवलपमेंट पूरा अंदर। करा था मैंने, सारे वो प्रोजेक्ट्स भी कैसा था, कंप्लीट उससे किए पहले मैंने। किया हुआ था वेब डेवलपमेंट, उससे वेब पहले किया हुआ डेवलपमेंट था वेब मतलब करा डेवलपमेंट। हुआ था, पर वो बेसिकली HTML, CSS और JavaScript को हमारे कॉलेज में वेब डेवलपमेंट बोल देते थे, तो उतना ही करा हुआ ठीक था, कुछ है, ज़्यादा नहीं करा था। ओके ओके, तो यहाँ पर कैसा रहा वेब डेवलपमेंट का हमारा एक्सपीरियंस ओवरऑल? तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया रहा, मतलब काफ़ी डिटेल में सीखने को मिला और काफ़ी मतलब अच्छे से आ गई थी चीज़ें। तो हमने बेसिकली करियर कैंप पे ले लिया, हम जनवरी में आ गए करियर कैंप के अंदर, फिर हमने बेसिकली DSA हमारा रिवाइज हो गया, हमारा वेब डेवलपमेंट हमने कर लिया। उसके अलावा क्या चीजें थी जो कि बेसिकली, कुछ मॉक इंटरव्यूज वगैरह तुमने दिए एज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कैसा रहा वो सब कुछ? हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ मैंने एक मतलब बहुत ज़्यादा तो मेरे को देने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैंने कोर्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मतलब वो क्योंकि 9 months का कोर्स है और उसको मैंने लगभग 4.5 to 5 months में कंप्लीट कर लिया था, तो उसमें बहुत ज़्यादा राइट, टाइम देना पड़ रहा था, तो मॉक इंटरव्यूज़ उतने ज़्यादा दे नहीं पाया था, पर मतलब 2-4 दिए थे तो उनसे भी काफ़ी मतलब प्रैक्टिस हो गई थी। वो क्योंकि अच्छे लेवल के सही इंटरव्यूज़ है। लिए थे तो उससे काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई थी। कौन थे लोग जिन्होंने मॉक इंटरव्यूज दिए, कहाँ कहाँ पे जॉब कर रहे थे वो लोग मोस्टली? वो मतलब ये प्रोडक्ट बेस ही थे जितने भी थे, लगभग सभी मतलब बढ़िया ही थे। ओके, ठीक है। सो ठीक है, तो हमने ये सब कुछ सीख लिया, फिर आप मुझे थोड़ा सा बताओ प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा रहा, लाइक हमने कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, कहाँ कहाँ से कुछ रिजेक्शन आए, कहाँ कहाँ पर हो गया, कुछ बताओ थोड़ा सा कैसा रहा प्रोसेस? स्टार्टिंग में कुल मिला के मतलब मैं यही देख रहा था कि जो अच्छा पैकेज आएगा मैं उसमें सीधे अप्लाई कर दूंगा करके, यही थॉट प्रोसेस था मेरा। तो एक ठीक कोडिंग है, निंजाज में ही अप्लाई किया था मैंने, उसके बाद मैंने ओके फिर क्यू मैथ में किया था और एक दो मैं और किया था, फिर ओके क्यू मैथ में मेरा कंप्लीट हो गया था प्रोसेस, तो फिर मैंने उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया था। ओके ओके, सो बेसिकली हमारा क्यू मैथ में काफी सही सा पैकेज लग गया, तो हमने फिर आगे अप्लाई करना बंद कर दिया और ज्वाइन कर लिया जी राइट। सही है सही है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। सो मस्त है यार, आई एम श्योर लाइक तुम्हें तुम्हारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में बहुत हेल्प हुई होगी। एंड कोडिंग इंजर्स का प्रोसेस कैसा था, इंटरव्यू प्रोसेस, क्या वो DSA बेस्ड था, वेब डेवलपमेंट बेस्ड था, कैसा था? उसमें तो सभी पूछा गया था, DSA भी पूछा गया था, थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन भी पूछा गया था और मतलब डेवलपमेंट भी पूछा गया था, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट को दिया था बनाने को, और फिर उसके अच्छा, बाद एक बैकएंड का इंटरव्यू भी हुआ था, वो बैकएंड के इंटरव्यू के बाद ही बाहर ओके, हुआ था मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं यार ये तो हो ही जाता है, ये तो हो ही जाता है, ठीक है। सो परफेक्ट परफेक्ट, सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू एडवाइस टू करंटली लोग जो थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में है, कि यार क्या करें, कैसे तैयारी करें ताकि अच्छी जॉब्स लग जाएं, और कुछ ये भी, पहले ये आंसर करो, फिर मैं तुमसे कुछ स्टार्टअप्स के बारे में पूछना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है। पहले तो यही आंसर करो, कोई एनी एडवाइस दैट यू हैव फॉर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज में है? तो एडवाइस यही रहेगी कि मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर यह है कि थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड करोगे तो थोड़ा जल्दी अपने गोल को रीच कर जाओगे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम के बाद मेरे को थोड़ा स्ट्रक्चर मिला था उस चीज़ का, तो मेरा वही थोड़ा सा डिले हो गया। तो आप लोग अगर कोई भी कर रहे हो तो थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर्ड मेहनत करोगे तो
तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। राइट राइट ओके. अच्छा अब एक बात और बताओ, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल सबके सब लोग भाग रहे होते हैं कि यार मुझे तो बस अमेजोन जाना है, मुझे तो बस ये इसी बड़ी कंपनी में जाना है. तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है उसके ऊपर, और तुम्हें क्या लगता है कि स्टार्टअप्स में क्यों जाना चाहिए, या तुमने क्यों चूज किया स्टार्टअप में जाना, तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है इसके अराउंड? तो बेसिकली आपका फैंग में लग रहा है तो आप बिल्कुल जाइए, आपको कोई उसमें रुकने की बात है नहीं। पर अगर स्टार्टअप्स ऐसे बुरे नहीं होते, ऑब्वियसली आपको सीखने को बहुत बढ़िया मिलेगा इधर, और आपको पैकेजेस भी, अगर आपको DSA उतना अच्छा नहीं आता तो आप फैंग तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। आप कम से कम मतलब अगर आपके स्किल्स बहुत अच्छे हैं तो आप स्टार्टअप्स में बढ़िया करके निकाल सकते हैं आप अच्छे अच्छे पैकेजेस। राइट राइट एब्सोल्युटली. एंड ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे तो DSA अगर अच्छा भी है इन द करंट सिनेरियो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा करियर बहुत स्पीड पे ग्रो करे, तो यार मतलब स्टार्टअप्स आर अमेजिंग एट दिस पॉइंट. यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली कंसिडर, चाहे फाइनली एक बार कंसिडर तो कर लो, मतलब नहीं जाना है तो मत जाना, बट लाइक मतलब बट एटलीस्ट कंसिडर, एक्सप्लोर दिस, एक दो जगह पे इंटरव्यू करके देखो. यू विल रियलाइज द सॉर्ट ऑफ वर्क यू विल गेट टू डू, द सॉर्ट ऑफ ग्रोथ यू विल हैव इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड. परफेक्ट शोम, बहुत मजा आया मुझे तुमसे बात करके. आई एम श्योर लाइक काफी रिलीफ मिला होगा तुम्हें आफ्टर अ ईयर, है ना, कॉलेज से निकलने के बाद काफी प्रेशर होगा कि यार जॉब नहीं है और जॉब ढूंढनी है, बट आई एम श्योर अभी तो काफी रिलीफ होगा, मजा आ रहा होगा अब तो. हाँ अभी तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, मतलब काम भी बहुत बढ़िया है और मतलब बिल्कुल लेटेस्ट टेक में चल रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है, और राइट टीम भी बहुत राइट. बढ़िया है। नहीं वो तो है यार, टीम बहुत बढ़िया है ना. आई नो क्यू मैथ का तो मुझे पता है कि यार टीम काफी अच्छी है. सही है, बहुत ही बढ़िया. चलो यार कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत मजा आया होगा और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा कि यार जब भी शुरू करो स्ट्रक्चर्ड तरीके से 6-8 महीने भी दोगे तो अच्छे से हो जाएगा. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में शुरू कर दोगे तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बट अगर लेट भी हो गए हो तो कुछ नहीं होता, बस अच्छे से 6-8 महीने 9 महीने दोगे तो यार अच्छे से तैयारी हो जाएगी और बहुत बढ़िया कर पाओगे. राइट जी थैंक यू सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय थैंक यू फॉर बाय. हैविंग मी।